नमस्कार। भारतीय पंचांग के अनुसार जब धनु राशि में सूर्य आता है तो उसे मल मास कहते हैं और अधिक मास भी बोलते हैं। अधिक मास का मतलब होता है कि 3 वर्ष के बाद चौथा वर्ष जो आता है उसमें थोड़ा समय बढ़ा हुआ होता है, तो उसे इसलिए अधिक मास बोलते हैं। अधिक मास और मल मास में हिंदू समाज के या किसी भी समाज के लोग जो है इसमें कोई भी धार्मिक कार्य या कोई भी अच्छा शुभ कार्य जो है वो नहीं करते हैं। जैसे विवाह है, जनेऊ है, या नामकरण है किसी का, या आप गृह प्रवेश करते हैं, या फिर इस मूर्ति की या मतलब स्थापना जब करते हैं अपन, देव स्थापना वो भी नहीं की जाती है, और किसी भी प्रकार का मुंडन वगैरह भी नहीं किया जाता है। तो किसी भी प्रकार का जो शुभ कार्य होता है वो मलमास में नहीं किया जाता है। ये 1 महीने के लिए होता है और मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी के दिन ये माह ख़त्म होता है और मलमास भी ख़त्म हो जाता है। ये 13 तारीख से लगता है, 13 दिसंबर से और 14 जनवरी को ये ख़त्म हो जाता है। तो इन दिनों में आप को ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। आप वैसे कार्य कर सकते हैं कोई भी, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती, लेकिन ये जो 1 माह होता है ये शुभ नहीं माना जाता है। तो इस माह में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करते हैं। मलमास जो है वो हर साल आता है और हर संक्रांति को जो है ये ख़त्म होता है हर साल 14 तारीख को, क्योंकि सूर्य जो है मकर में आ जाता है। मकर में आने के बाद इसका जो अशुभ समय होता है वो ख़त्म हो जाता है और शुभ कार्य चालू हो जाते हैं। तो मकर संक्रांति के बाद जो है वापस जो भी शुभ कार्य होते हैं वो चालू हो जाते हैं, जैसे विवाह है, जनेऊ है, नामकरण है, गृह प्रवेश है, मुंडन है, या किसी भी प्रकार का शुभ कार्य हो तो वो वापस आप कर सकते हैं। नमस्कार। आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही मेरी शुभकामना है।